मटर का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, सर्दियों में अगर हरे मटर की कचौरी ना बनाएं तो फिर काहे का मजा। और देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। ये देखिए आया ना मज़ा। बस इसी तरह से एकदम मसालेदार चटपटी करारी कचौरी, और वो भी आलू की टमाटर वाली सब्जी के साथ, जो बिल्कुल देखने में हलवाई स्टाइल की और टेस्ट भी उससे भी अच्छा है। आप घर में बड़े आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी एंड टेस्टी। चलिए आज बनाते हैं एक कचौरी जो हेल्दी भी है, यानी इसमें मैदा का इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 1 कप के लगभग मैदा, आधा कप बेसन और आधा कप सूजी लेंगे। तीनों चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन ताकि ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल हो जाए, और डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि आ जाए टेस्ट। नमक डालना तो ज़रूरी है ना। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो डालिए देसी घी, चाहे तो डालिए ऑयल, 2 या 3 चम्मच डालेंगे। मैंने डाला है मेल्ट किया हुआ देसी घी, और इस तरह से हल्का सा गर्म भी है। और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसको एक तरीके से मॉइस्चर्ड आटा सा बना लेंगे, दरदरा सा, क्योंकि जो घी डाला है उसकी वजह से हर एक दाने में घी जब जाएगा ना तभी कचौरी खस्ता बनेगी। ये देखिए इस तरह 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से मलते रहिए, इससे सारे में घी अच्छे से लग जाएगा। अब हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। सॉफ्ट इसलिए, एक तो कचौरी बनानी है, हार्ड बनाएंगे तो कचौरी फट जाएगी। दूसरा, इसके अंदर हमने कुरकुरे होने के लिए सूजी डाली है, और थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा जो है वो हार्ड हो जाएगा। रीज़न ये है कि सूजी फूल जाएगी, यानी कि इसलिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अब ये देखिए इसको गूंदने में मुझे 3/4 के लगभग पानी लगा है, तो आप उस हिसाब से इसको थोड़ा सा हल्का तैयार कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप ताज़े हरे मटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 या 2 हरी मिर्च अच्छी तरह से दरदरा पीस लेंगे, और पीसने के बाद ये देखिए इस तरह से ये एक दरदरा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, यानी आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, और अच्छी तरह से इनको पीस लेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के लगभग बेसन। बेसन से क्या होगा, कचौरी जो है फटने का डर बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि बेसन जितना भी मॉइस्चर मटर के अंदर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमें इसमें आलू भी नहीं मिलाना पड़ा, और बेसन जो है वो बहुत हेल्दी होता है, आपको पता ही है। लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक बेसन को अच्छी तरह भूनने के बाद, धनिया मैंने आपको बोला तो था पर मैं डालना भूल गई, कोई बात नहीं, धनिया दरदरा पीस के अब डाल देते हैं। भुनाना तो सारे मसालों को है, वो अच्छी तरह भून जाएंगे। 1-1.5 मिनट के अंदर ही इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, तब जो हमने हरे मटर का दरदरा सा पेस्ट बना के रखा है वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये देखिए कैसी जल्दी मटर जो है फटाफट से सारे बेसन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। मैं इसलिए वीडियो स्किप नहीं कर रही, आपको खुद ही सामने दिखा रही हूँ। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और बेसन जो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं आसमान में, जैसे दिन के समय चांद गायब हो जाता है ना, बिल्कुल गायब ही हो गया। और कलर देखिए कितना सुंदर है। अब डालेंगे थोड़े स्पेशल मसाले, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से मिला लेंगे, और साथ में हमें डालना है नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी भी है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग देखकर डालना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो आटा गूंदा उसके अंदर भी नमक डाला है, और साथ में अभी हमें सब्ज़ी में भी नमक डालना है। कहीं ऐसा ना हो नमक ही नमक हो जाए और खाने में किसी को स्वाद ना आए, तो मैंने बिल्कुल आधा चम्मच ही नमक डाला। हम इसे लगातार 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे, और बेसन सारा गायब, मसाले अच्छी तरह मिक्स, और हमारा बहुत ही बढ़िया फिलिंग जो है बनकर तैयार। इसे आप किसी भी दिन ब्रेकफास्ट में तैयार कीजिए, खाने वालों के भी मज़े और खिलाने वालों के भी, क्योंकि तारीफ़ें इतनी मिलेंगी। अब मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ डाल दी, 1 चम्मच डाल दिया धनिया दरदरा पीसा हुआ। एक बार आप इस तरह से आलू की सब्ज़ी बना के देखिए, सब आपकी दीवानी हो जाएंगे। आधा चम्मच हींग, 3-4 हरी मिर्चें बीच में से जो मैंने चीर कर डाल दी, 2 साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। सारी चीज़ों को हल्का सा 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर 10 से 15 सेकेंड तक भून लेंगे। 10-15 सेकेंड के बाद ही हम इसके अंदर 1 चम्मच मैंने अदरक और हरी मिर्च का दरदरा पीस कर पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया। अदरक का आलू की सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब थोड़े मसाले डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते ही
हमें 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर ही जो है वो टमाटर की प्यूरी बनाकर रखनी है और डाल देनी है, क्योंकि अगर कश्मीरी लाल में जल गई तो ये सारी सब्ज़ी का कलर और स्वाद सब ख़राब कर देगी। ठंड का मौसम है और गर्मा गर्म कचौरी वो भी आलू की सब्ज़ी के साथ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बाज़ार से लाने में भी इतना टाइम लग जाता है कि घर आते आते उसका स्वाद ही नहीं रहता। आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता, क्योंकि सब्ज़ी को अगर मसाले अच्छी तरह ना भुने हो तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, सबसे ज़रूरी है। आधा चम्मच गरम मसाला साथ के साथ डाल दिया है और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। वीडियो बीच में 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी क्योंकि जो चार्जर है वो ख़त्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, अच्छी तरह से भूनकर और क्रश करके डालिए, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसे इसी समय डालना चाहिए तड़का बनाते समय, क्योंकि ये अपना पूरा अरोमा रिलीज़ कर देती है उससे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तड़के में से ये देखिए ऑयल रिलीज़ होने लगा। तो मैंने 4-5 बड़े बड़े आलू जिनको उबाल लिया था और हल्के हाथ से ही मैंने इनको हाथ से ही फोड़ लिया। इस तरह से हाथ से फोड़े आलू का बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है और हलवाई भी इसी तरह से इसको हाथ से फोड़ के बनाते हैं। अगर आप आलू को काट कर बनाएं सब्ज़ी या आलू को फोड़ कर, आप एक बार ही ट्राई कीजिए, दोनों तरह से आपको बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा। आलू की सब्ज़ी बनानी हो तो काट कर बनानी चाहिए और उबले आलू की बनानी हो तो इस तरह फोड़ कर बनानी चाहिए। कच्चे आलू की तो वैसे भी काट के ही बनेगी ना, नहीं तो अगर हाथ से फोड़ने लगेंगे तो हाथ फूट जाएगा, आलू तो टूटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से अब अच्छी तरह 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, साथ में इसका कलर एजिटिस बना रहता है। बस अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। सब्ज़ी थोड़ी कम हो गई क्योंकि मैंने निकाल लिया बनने के बाद, और जिसको खाना देना था ना उसको तो देना ही पड़ेगा ना, वीडियो से लोगों का कोई लेने देना नहीं होता, फैमिली मेम्बर से उनको ये हमारा टाइम पास लगता है, लेकिन हमें तो पता है ना वीडियो बनाने में कितना मज़ा आता है और कितना अच्छा लगता है। अब सारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने हरा धनिया डाल दिया, आलू की सब्ज़ी तैयार है। बस अब कचौरी बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा सब्ज़ी का कलर आया हुआ है, और वो है कश्मीरी लाल मिर्च के कारण, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है क्योंकि सारे मसाले ऐसे हैं जो घर में ही आराम से मौजूद है और हमने उन्हीं मसालों का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए हमारा डो जो है वो पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इस डो छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लूँगी। जितना सामान हमने लिया है उसके अंदर 5 जनों के लायक बहुत अच्छी से कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। टोटल 11 कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। बस अब हम नींबू से छोटे आकार के थोड़ी थोड़ी बॉल्स बनाकर इसकी तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये क्योंकि अब इसमें हमने बेसन डाला था तो ना तो ये कचौरी आपकी तेल में डालने के बाद फटेगी, और कुरकुरी कितनी बनेगी वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। वर्चुअली खाना हो तो आप मेरे साथ खा सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने आटा गूंद कर रखा था यानी डो, उसको वो भी अच्छी तरह से, अब ये देखिए लग रहा है ना थोड़ा हार्ड, अगर हम इसको ऑलरेडी हार्ड बनाते तो इस समय इसको गूंदना मुश्किल हो जाता। तो पहले हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है और बाद में ये अपने आप बिल्कुल कचौरी के लायक ठीक हो जाएगा। अब इस कचौरी की एक खास बात, चकला बेलन की हमें ज़रूरत ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊँगी हम बिना बेले कचौरी कितने आराम से बना सकते हैं। पहले मैंने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और उसके बाद हम इनकी कचौरी बनाने के लिए तैयारी करेंगे। बस इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसकी हम एक कटोरी की सी शेप बनाएंगे इस तरह से। जब आप लोई बनाने के समय जो क्रैक्स हैं ना उनको अंदर की साइड रखिए ताकि वो क्रैक्स कचौरी बनाते समय हमें नज़र नहीं आएंगे। अब हम चारों तरफ से एक वो रखेंगे मटर का गोला और हल्का सा सील कर देंगे, और देखिए कैसे हाथ से प्यार से इसको धीरे धीरे दबाएंगे इस तरह। दोनों हाथों से हथेलियों के बीच में हम इसे दबाएंगे और उंगलियों की हेल्प से जो हमने सारा मसाला इसके अंदर भरा है उसको किनारों तक पहुंचाएंगे। अगर आप बेलन से करेंगे तो इस तरह अच्छी तरह से कचौरी नहीं बन पाती। अब इसी तरह से अब मैं आपको बाकी की बनाकर दिखाती हूँ। बस इस तरह एक एक कचौरी के बीच में हम फिलिंग भरते जाएंगे, किनारों से अच्छी तरह से इसको सील करेंगे और बंद कर देंगे। यहीं ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपने किनारों से सील नहीं करा तो ये घी में जाकर यानी ऑयल में जाके फट जाएगी। अब इसे धीरे धीरे दबाते हुए मसाले को अच्छी तरह बिल्कुल किनारे तक हम पहुंचा देंगे, और ये देखिए हमारी बिना बेले कितनी अच्छी कचौरी तैयार है। इसी तरह आप चाहें तो पहले सारी कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं तलने की तरफ। अब मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है और बिल्कुल हल्की गर्म ऑयल, जब ये आपको देख लिए से पता लग रहा है ना तभी हम इसमें कचौरियाँ डाल देंगे। 3 या 4 कचौरी आराम से एक बार में जितना आपसे आराम से तली जाए उतना तल लीजिए, और बिल्कुल हल्के हाथ से जब ये तैर कर ऊपर की तरफ आ जाएंगी तब हम इनको पलट देंगे।
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कचौरी को बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है और उसके बाद हल्के हल्के जब ये ऊपर आ जाए तब पलटना है और अपने आप ही आप देखेंगे कि ये कैसे आराम से फूलने लग गई है। ये देखिए अब ये तीनों कचौरी फूल गई हैं तो मुझ साथ में जगह बच गई थी, मैंने एक कचौरी और डाल दी है। जब ये चारों कचौरी अच्छी तरह से फूल जाएंगी तब हम, अब ये देखिए अब ये फूल गई ना, अब गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि कचौरी हमारी फूल चुकी है और करारी भी जितना होना था हो चुकी, बस इसका कलर अच्छा सा हो जाए तो लास्ट के एक डेढ़ मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर सुनहरा होने तक तल लेंगे। इतनी सुनहरी कचौरी बनकर तैयार हुई है और साथ में हेल्दी भी, कोई इसको देख कर कहेगा ही नहीं कि इसको हमने मैदा से नहीं आटा से तैयार किया है। ये देखिए आवाज़ कितनी करारी है और उसके बाद भी नेक्स्ट डे तक भी ये उतनी कुरकुरी बनी रही क्योंकि इसमें हमने जो बेसन मिलाया था ना उसकी वजह से जो इसकी फिलिंग है ना उसमें नमी नहीं आई, और अगर फिलिंग में नमी नहीं होगी तो कचौरी हमेशा इसी तरह बनी रहेगी। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।